हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आज के डेली क्रिप्टो हिंदी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़ के बारे में, जैसे हम रोज़ करते हैं। आज 70th एपिसोड है डेली क्रिप्टो हिंदी का, तो मेक श्योर करें कि अगर आप पहली बार आए हो चैनल पे सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन को भी प्रेस करना और टेलीग्राम से भी जुड़ना मत भूलना। अब बात कर लेते हैं पहली न्यूज़ को लेके। माइक्रो स्ट्रेटजी प्लेजेस टू बाय मोर BTC डिस्पाइट पेपर लॉस ऑन इट्स होल्डिंग ऑफ 424.8 मिलियन। तो पेपर लॉस यानी पेपर पे अगर दिखाते हैं जब कागजात पे, तो उनकी बाइंग जो होती है उसके हिसाब से कुछ और आती है। और नॉर्मली उनकी जो अप्रॉक्सीमेट बाइंग चल रही है, मतलब उन्होंने 1 लाख बिटकॉइन खरीद के रखे हुए हैं, उनकी जो एवरेज बाइंग है, बाइंग प्राइस है, वो है $19,518। बट पेपर में कुछ और दी हुई है जिसकी वजह से दिख रहा है कि उनका लॉस चल रहा है 400 मिलियन का। बट अगर गौर से बात की जाए, देखा जाए, तो माइक्रो स्ट्रेटजी अभी भी जितना उन्होंने पैसा लगाया उससे $1 बिलियन के प्रॉफिट में है, जो कि बहुत बड़ी बात है गाइस। और माइक्रो स्ट्रेटजी 406% के अगर देखा जाए तो मुनाफे में, रिटर्न में है। और ये बहुत बड़ा रिटर्न है उनके खुद के इनिशियल इन्वेस्टमेंट से लेकर, और अभी वो बहुत बड़े प्रॉफिट में है, क्योंकि 20,000 से 40,000 होना, डबल होना हुआ पैसा, तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं बिटकॉइन में और ये प्रॉफिट में है। तो जो माइकल सेलर हैं वो कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में एक और प्लान बन सकता है बिटकॉइन की कुछ होल्डिंग्स को और बढ़ाने का, तो ये एक अच्छी चीज़ है। माइक्रो स्ट्रेटजी अभी भी प्रॉफिट में है, ये मैं आपको बता दूँ। लाइट कॉइन को न्यू एक वेबसाइट है जो टेक रिलेटेड वेबसाइट है, उसको वो टेक रिलेटेड प्रोडक्ट्स जैसे कि हो गए आपके कंप्यूटर, PCs वगैरह, ग्राफिक कार्ड, तो इनसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स को बेचता है। तो ऐसी इस वेबसाइट ने बेसिकली क्या किया है कि ये अपने यहाँ, मतलब कि ये एक्सेप्ट कर रहा है लाइट कॉइन को एज अ फॉर्म ऑफ पेमेंट। मतलब आप टेक जाके, टेक की कोई भी चीज़ें खरीदोगे इनके वहाँ, तो आप उसमें डायरेक्टली लाइट कॉइन में पेमेंट कर सकते हो, और कुछ भी ग्राफिक कार्ड, लैपटॉप, कुछ भी खरीदना हो आप खरीद सकते हो। ये एक टेक रिलेटेड, टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड शॉपिंग ऐप है। तो एक और चीज़ मुझे आपको बतानी है, वेल्थ फ्रंट नाम का एक ग्रुप है जिसने ग्रेस्केल और बिटकॉइन इथेरियम शेयर्स को ऐड कर लिया अपने में। वेल्थ फ्रंट काफ़ी बड़ा ग्रुप है, अगर मैं आपको इसकी होल्डिंग दिखाऊं तो इसने $25 बिलियन के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट करके रखे हैं। ये कैलिफोर्निया बेस्ड है। इसने बिटकॉइन लोगों को, अपने कस्टमर्स को बिटकॉइन और इथेरियम में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन दे रहा है ग्रेस्केल के जरिए। अच्छा, मैं आपको अगर दिखाऊं, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया को डोनेशन मिले थे कुछ $5 मिलियन के बिटकॉइन में इस साल मिले थे। तो वो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो उन आने, मतलब जो डोनेशन से बिटकॉइन आया उसे वो लोग बेचेंगे नहीं, मतलब वो उसे नहीं बेच रहे हैं, बल्कि उसके कहीं भी उसको गिरवी रखा के, कोलेटरल रखवा के ले लेंगे, बट उसको बेचने नहीं वाले हैं, मतलब उसको वापस ले लेंगे क्योंकि ये बिटकॉइन है और उसको वो लोग भी इसका प्रॉफिट देख रहे हैं, तो एक अच्छी चीज़ है। और यहाँ पर एक न्यूज़ यही है कि एल साल्वाडोर जो है वो ऑफिशियली अडॉप्ट कर लेगा बिटकॉइन को एज लीगल टेंडर ऑन September 7। तो ये जो है चीज़ ना, ये मैंने आपको पहले भी बताई थी मे भी, और उसमें ये बोला था कि एल साल्वाडोर में नॉर्मली तो ओके स्टार्ट हो गई है तैयारियाँ, बट अभी उसको एग्जैक्टली अगर यूज़ करना है तो उसके लिए क्या होगा कि ये तब शुरू करेंगे 7 सितंबर से ऑफिशियली, मतलब सरकारी कामों में भी बिटकॉइन यूज़ होने लगेगा, तो ये एक बड़ी बात है। ठीक गाइस, एंड अब बात कर लेते हैं फिनसेंस को लेके। फिनसेन के एक नए यहाँ पर हेड बने हैं, द फर्स्ट एवर चीफ डिजिटल करेंसी एडवाइज़र फॉर फाइनेंशियल क्राइम्स एनफोर्समेंट नेटवर्क। इन्होंने कहा है कि क्रिप्टो में बिलीव करते हैं और क्रिप्टो वैल्यू ट्रांसफ़र कर रहा है, रैदर देन जो लोग सवाल खड़ा करते हैं कि क्रिप्टो तो कुछ है नहीं, ना दिखता है ना कुछ है, तो क्रिप्टो यहाँ पर वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, ये चीज़ उन्होंने कही। पेपल को लेके एक न्यूज़ आई है, पेपल ने क्या कहा है कि पेपल लॉन्च करने वाला है क्रिप्टो ट्रेडिंग UK में और मे एम्ब्रेस DeFi। मतलब अभी तक ये सिर्फ क्रिप्टो को रिलेटेड ट्रेडिंग ला रहा था, अब ये DeFi को भी ऐड कर रहा है, यानी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस जैसे किया गया यूनिस्वैप और 1inch, इन सब चीज़ों में भी एक्सपोजर देगा अपने लोगों को ताकि वो ट्रेड कर सकें। अब ये खबर थोड़ी सी खतरनाक UK वालों के लिए, क्यों? क्योंकि UK ने तो काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रखा है बाइनेंस वगैरह को, तो देखना होगा कि कैसे पेपल ये सब करता है। पेपल वैसे मेरे ख्याल से गवर्नमेंट से वहाँ पे बहुत सारे रूल्स फॉलो करके ही करेगा, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है। जर्मनी के वन ऑफ द लार्जेस्ट एसेट मैनेजर हैं जिन डेका बैंक, जिनका नाम है वन ऑफ जर्मनी लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट, तो उसमें वो कितने करते हैं, टोटल कितने रखे हुए हैं, 403 बिलियन के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट हैं इनके। तो इन्होंने बिटकॉइन मैगजीन को बताया है कि ये आने वाले दिनों में क्रिप्टो करेंसीज में करने वाले इन्वेस्ट और अपना बिटकॉइन का इन्वेस्टमेंट बढ़ाने वाले हैं।
मतलब ये क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट अपना करने वाले। तो ये एक बड़ी न्यूज़ है, जो बड़े फर्म्स वगैरह आते हैं गाइस, इनकी न्यूज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये लोग अगर बिटकॉइन में जिस तरह से आएंगे, धीरे धीरे हैज मैनेजर्स आ रहे हैं और भी तो लोग आ रहे हैं बिटकॉइन में, तो इन लोगों के इन्वेस्टमेंट से क्या होगा, फ़ायदा ही होगा हमें, और ये लोग अपने कस्टमर्स को भी लेके आएंगे साथ ही साथ, तो हमारा भी एक्सपोजर बिटकॉइन में बढ़ेगा, लोगों का एक्सपोजर बढ़ेगा, लोग बिटकॉइन को खरीद सकेंगे आसानी से। तो ये था आज का डेली क्रिप्टो हिंदी, आई होप आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया प्लीज़ वीडियो लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।